ले बेटिया, ज्यादा गर्म तो नहीं है ना? चुटकी, दूध पूरा खत्म करना है, जरा भी मत छोड़ना। मेरी सबसे अच्छी अम्मा। अरे 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 अरे, ये एकदम से इतना प्यार क्यों आ गया अम्मा पर? है? वो अम्मा, उस दिन आपने बच्चों की अदालत में कितनी अच्छी बात बोली थी। हाँ अम्मा, मास्टर जी भी कह रहे थे कि छुटकी बिटिया, तुम्हारी अम्मा बहुत समझदार और हिम्मत वाली है। एक बात बोलूं अम्मा? हाँ बोल बिटिया, बोल। अम्मा, अगर आपको भी बचपन में पढ़ने लिखने का शौक था तो फिर आपने हमें स्कूल जाने से क्यों रोका था? अरे वो तो बताओ ना अम्मा। अरे मेरी बच्ची, क्या बताऊं? जब एक झूठ को बार बार सुना जाए ना, तो वो झूठ सच लगने लगता है। हमने तो बचपन से माँ बापू को यही कहते सुना, लड़की है पढ़ लिख के क्या करेगी, रसोई का काम काज सी, शादी के बाद यही काम आता है। दिन में 100 दफा ये झूठ सुनाया जाता था। बस मैं भी धीरे धीरे इसी झूठ को सच मानने लगी। और अब अम्मा? अब मुझे पता है कि सच क्या है, और वो सच ये है कि लड़कियों को स्कूल भेजने से, पढ़ाने लिखाने से उनमें समझदारी आती है। अच्छे बुरे की पहचान कर लेती हो और कुछ कर दिखाने की हिम्मत आती है उनमें। ओ अम्मा, तुम कितनी अच्छी हो। चलो चलो चलो, रुला दिया, चलो स्कूल को देर हो जाएगी। चलो आप जल्दी खत्म करो ये। अरे तुम लोग छुट्टी के बाद सीधा घर आना, इधर उधर मत डोलना, बहुत काम करना है। अम्मा, हमारी नई माँ का नाम क्या है? नई माँ का नाम कला। मेरी नानी के गांव से है ये। आपके नानी का गांव बहुत दूर है क्या? हाँ बहुत दूर है, नहीं तो हम सब भी तो साथ जाते उसे यहाँ लाने के लिए। अम्मा, नई माँ को पढ़ना लिखना आता है? हाँ 5वीं तक पढ़ी है। नई माँ दिखने में कैसी है? सुंदर है। हाँ बहुत सुंदर। वो भी माँ की तरह बड़ी वाली बिंदी लगाती है। नई माँ हमें कहानियाँ भी सुनाएगी ना? हाँ हाँ बहुत कहानियाँ सुनाएगी। चलो चलो अब निकलो। शाबाश, बहुत अच्छे। सवालों की पोटली। हाँ शबनम, क्यों भाई कहाँ चल दिए? आदाब मास्टर जी। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा वो शबनम, तुम मिल गई, नहीं तो मैं तुम्हारे घर ही आ रहा था। क्यों? नहीं मेरा मतलब कोई खास बात मास्टर जी? हाँ वो इमरान से ना अपनी किताब वापस लेनी थी इसलिए। किताब?
किताब, वो किताब मास्टर जी, मैं पढ़ रही हूँ किताब, तो पढ़ के दो चार दिन में लौटा दूंगी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात है, और मेरे बाद कमला भी पढ़ेगी किताब। हाँ? क्यों कमला? हाँ? हाँ 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 मैं भी पढ़ूंगी। और फिर सरोज, चंपा, अम्मा जी सब पढ़ेंगी किताब, क्यों कमला? हाँ? नहीं नहीं मतलब? नहीं मतलब बस अब और झूठ नहीं। दरअसल मास्टर जी आपकी किताब। क्या हुआ मेरी किताब को? बोलो कमला। आपकी किताब सविता जी पढ़ रही है और वो भी वापस नहीं कर रही। ये हो क्या रहा है? पहले इमरान किताब पढ़ रहा था, फिर शबनम, फिर कमला, फिर सरोज, और अब सविता जी पढ़ रही हैं। साफ साफ बोलो मेरी किताब कहीं खो तो नहीं गई ना? शबनम वो किताब मेरे दिल के बहुत। मास्टर जी क्या समझाऊं, सब गुड़मुड़, मेरा मतलब गड़बड़ हो गया। अभी किताब नहीं है तो क्या हुआ, मैं शेर सुनाती हूँ ना आपको, मुलायजा फरमाइए। बोझ वो सिर पे गिरा है कि उठाए ना उठे, काम वो आन पड़ा है कि बनाए ना बने, इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब कि लगाए ना लगे और बुझाए ना बने। वाह 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 वाह। शबनम मैं इस वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अगले वाले की बात कर रहा हूँ। किताब कहाँ है मेरी शबनम? मास्टर जी आज इसी से काम चला लीजिए ना, मैंने कहा ना सब गुड़मुड़, मेरा मतलब गड़बड़ हो गया है। मास्टर जी इसमें शबनम और इमरान भाई की कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से? मैं कुछ समझा नहीं। दरअसल मैंने शबनम से कहा था कि वो इमरान भाई से कहे आपसे किताब मांगने के लिए, ताकि वो किताब हम नर्स बहन जी को दे सके और उस किताब के बहाने आप दोनों फिर मिले और जो कुछ भी मेरी वजह से गड़बड़, मेरा मतलब है गड़बड़ हुआ है, वो सब ठीक हो जाए। और बस 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 सब समझ गया मैं। कमला तुम कितनी समझदार हो ये तो मुझे पता था, पर इतनी दूर की सोच, भाई मानना पड़ेगा। मास्टर जी अब किताब का क्या करें, और बेचारे इमरान वो तो सोच सोच के परेशान हो रहे हैं, कह रहे थे कहीं मास्टर जी नाराज ना हो जाएं। शबनम इमरान भाई से कहना कि मास्टर जी उसे कभी भी नाराज नहीं हो सकते। खामा का बेचारे को मैंने बहुत परेशान कर दिया। अच्छा तो आप हमसे भी दो कदम आगे निकले। जी शबनम अब फिर कभी दो लोगों को मिलाने के लिए दो दोस्तों को परेशान मत करना। मेरी तो आज से तौबा है मास्टर जी। और आपकी फिर कोई नई तिकड़म तो नहीं लगाएंगी ना आप? दोस्तों हम सबको लगा था कि बच्चों की अदालत के फैसले के बाद शायद सुनैना के माता पिता उसकी शादी नहीं करेंगे। क्या हुआ अमीना? चाचा चाची अब भी नहीं समझे क्या? अब सुनैना की शादी हो जाएगी अमीना। Thank you.
तो बापू को बहुत समझाया पर वो मानते ही नहीं। वो कहते हैं कि मैं लड़के वालों को जुबान दे चुका हूँ, अब मना नहीं कर सकता। पापा हमारी अदालत के बाद से मुझसे बात भी नहीं कर रहे, बहुत नाराज है वो मुझसे। उन्होंने तो अम्मा को भी बहुत डांटा। सुनैना, तो चाची से साफ साफ क्यों नहीं कहती? अम्मा तो समझती है लेकिन बाबा वो तो कुछ भी नहीं समझते। वो कह रहे थे कि जल्दी से लड़के वालों के गांव जाकर मेरी शादी कर देंगे। अब क्या करें कजी? कुछ तो करना ही होगा। अच्छा, जिस जिसको ये बात ठीक लगती है वो अपना हाथ उठाओ। सुबह गई है अभी तक नहीं आई। मैं जानता था, मैं जानता था। क्या जानते? अरे भाग गई है तुम्हारी बिटिया। हाँ, अपने सुझाव और विचार इस पते पर भेजें, क्योंकि जीना इसी का नाम है। पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।